गाएगी दुनिया गीत मेरे गाते पे लाजवाब गीतों के खालिक पाकिस्तानी फिल्मी सनत के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे को इस जहां से रुखसत हुए 5 दहाइयां बीत चुकी हैं, ताहम इनके नगमात आज भी मकबूले आम हैं। रशीद अत्रे का तल्लुक मौसीकी के घराने से था और वो 15 फरवरी 1919 को भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। इनके वालिद खुशी मोहम्मद भी नामवर संगीतकार थे। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल रशीद को मौसीकी के माहिर उस्ताद इशफाक हुसैन की सरपरस्ती में दिया, जिन्होंने अपने होनहार शागिर्द को साजो आवाज और संगीत के इसरार रमूज सिखाए। तबला पर अब्दुल रशीद को मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, ताहम उन्होंने संगीतकारी की तरफ ज्यादा तवज्जो दी और 1940 की दहाई में महेश्वरी पिक्चर्स लाहौर के बैनर तले बनने वाली फिल्म पगली में पहली बार उन्होंने 2 नगमात की धुनें तख्लीक की और इनका टाइटल रशीद अत्रे दिया गया। फिल्म के दीगर नगमात उस्ताद झंडे खान ने कंपोज किए थे। 1942 में उन्होंने इंद्रपुरा पिक्चर्स की फिल्म ममता के तमाम गीतों की मौसीकी तरतीब दी। इस फिल्म के हदायतकार हाफिज जी थे। 1944 में उन्होंने मौसीकार अमीर अली के इश्तराक से फिल्म पन्ना के नगमात की धुनें बनाई, जिसके हदायतकार नजम नकवी थे। फिल्म कामयाबी से हमकनार हुई और इसके गीत भी मशहूर हुए। 1945 में रशीद अत्रे ने मौसीकार पंडित अमरनाथ के हमरा पंचोली आर्ट पिक्चर्स की फिल्म शीरी फरहाद की मौसीकी तरतीब दी। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने सबसे पहले हदायतकार मशहूर परवेज की फिल्म बेली के नगमात की धुनें बनाई, ताहम वो फिल्म नाकामी से दो चार हो गई। इसके 3 बरस बाद उन्होंने फिल्म साज व हदायतकार नजीर की फिल्म शहरी बाबू की मौसीकी तरतीब दी, जिसके नगमात ने धूम मचा दी। इनमें गल्ला सुन के माहिदे नाल, भागा वालियो वगैरह शामिल थे। मौलाना 1952 में रशीद अत्रे ने हदायतकार डब्ल्यू जेड अहमद की फिल्म रूही, हदायतकार नजीर की खातून और अनवर कमाल पाशा की फिल्म सरफरोश के गीतों की धुनें तख्लीक की और इन फिल्मों के नगमात बहुत मकबूल हुए। इनमें ऐ चांद उनसे जाके मेरा सलाम कहना, एक चोर एक लुटेरा, तेरी उल्फत में सनम और दीगर नगमात शामिल थे। इसी साल उन्होंने अनवर कमाल पाशा की एक और फिल्म चंद माही के गीतों की मौसीकी तरतीब दी, जिसके नगमात मारूफ नगमानिकार तुफैल होशियारपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में बहार बेगम और असलम परवेज ने मरकजी किरदार अदा किए। उन्नीस सौ 1975 में उन्होंने हदायतकार जाफर मलिक की फिल्म 7 लाख की मौसीकी तरतीब दी, जिसके नगमात बेहद मकबूल हुए। इनमें एक गीत आए मौसम रंगीले सुहाने आज भी जबान ज़दे आम है। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम। इसके बाद जाफर मलिक की फिल्म मुखड़ा के गीतों ने भी धूम मचा दी थी, जिनमें दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, मेरा दिल चना कचदा खंडौना आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलते हैं। हदायतकार अनवर कमाल पाशा की एक और फिल्म अनारकली के गीत भी बेहद मकबूल हुए। इनमें बांवरी चकोरी, सदा हूँ अपने प्यार की, किस्मत का दस्तूर नराला होता है वगैरह शामिल है। फिल्म शहीद में इनके गीतों को बहुत शोहरत मिली। इनमें मेरी नजरें हैं तलवार और दीगर शामिल हैं। ये नवाद अदाकारा मुसर्रत नजीर पर फिल्म बंद हुए थे। हदायतकार हसन तारक की फिल्म नींद का गीत तेरे दर पर सनम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। एस सुलेमान की फिल्म गुलफाम का गीत ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। अंदाज
और नजम नकवी की फिल्म कैदी के गीत मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमांग ने भी धूम मचा दी थी। रशीद अत्रे ने कुल 55 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी, इनमें 48 उर्दू और 7 पंजाबी जबान में बनाई गई थी। उनकी मशहूर फिल्मों में लैला मजनू, रुखसाना, गुलशन, साहिल, डाकू की लड़की, आरजू, शबाब, हजार दास्तान, पायल की जनकार, मिर्जा जट, बाऊजी और दीगर शामिल हैं। रशीद अत्रे 18 दिसंबर 1967 को इस जहान फानी से कूच कर गए। वो मैक्लोड रोड पर वाकया मोमनपुरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। रशीद अत्रे के बेटे वजाहत अत्रे ने भी अपने वालिद का नाम रोशन किया। अब इनके पोते अली अत्रे भी संगीत की दुनिया में अपने फन को मनवा रहे हैं। मौसीकी से वाबस्ता शख्सियात ने रशीद अत्रे की बरसी पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया है।